हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ करेले की भुजिया। ऐसे तो करेले बहुत तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है बनाने का और खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं और हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके लिए मैंने करेलों को कड़वापन निकाल कर, 500 ग्राम मेरे ये करेले हैं, इनका कड़वापन मैंने निकाल कर, उसका कड़वापन निकालने का तरीका मैंने दूसरी वीडियो में बताया है। वो वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने बनाने का तरीका दूसरे वीडियो में बना रही हूँ। मैंने अभी नया नया चैनल बनाया है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है, उसको नजरअंदाज करिएगा। ये मैंने 500 ग्राम करेले को कड़वापन निकाल कर फ्राई किए हैं। फ्राई करने के बाद में इसको एक साइड में रख लिया है। उसके बाद 250 ग्राम प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, रफली काट लिया है। और उसके बाद में मैं इसको बनाने का तरीका आपको बताती हूँ। बहुत ही आसान बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। ये देखिए, जिस तेल में मैंने करेले फ्राई किए हैं वही तेल ये मेरा बचा हुआ है। इसमें मुझे कुछ भी जीरा, हींग, हल्दी कुछ नहीं डालना है, सिर्फ ये प्याज मुझे लाइट गोल्डन ब्राउन करनी है। इसमें तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डाला है। सब्जियां जितनी भी होती हैं सरसों के तेल में, अगर आपके पास सरसों का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी कुकिंग ऑयल में इसको बना सकते हैं। यहाँ से ये प्याज को मुझे लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। ये प्याज मेरी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ये करेले मिला देती हूँ। अभी मैंने प्याज तो मीडियम फ्लेम पर भुनी है, लेकिन अब मैं आग को एकदम सिम कर लूंगी, सिम से थोड़ा सा ज्यादा। जब पानी डाल देंगे तब उस टाइम बिल्कुल सिम कर देंगे। थोड़ा मैंने आग को कम की ताकि वो प्याज और मेरी जल ना जाए। इसमें मसाले कुछ ज्यादा नहीं डाले जाते हैं, सिर्फ नमक और मिर्ची इसके लिए काफी है, क्योंकि इसका अपना टेस्ट काफी है। अगर जो कुछ लोग प्याज नहीं खाते हैं तो वो लोग फिर मसाले और डालते हैं, वो उसका तरीका बनाने का अलग तरह से है। मैं इसमें 1/4 टीस्पून ही नमक दूंगी, क्योंकि पहले मैंने बहुत इसमें नमक लगाया हुआ है। गलने के बाद मैं इसको टेस्ट करूंगी, अगर कम होगा तो फिर बाद में और मैं मिला दूंगी। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। हमारे इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से लोग बनाते हैं और अलग अलग तरह से खाते हैं। जैसे हमारा राजस्थान और यूपी है, यहाँ ये रोटी, पूरी, पराठे सबके साथ खाया जाता है। इस बेल्ट पे आ जाइए, बिहार, बंगाल, कर्नाटका, इस सब जगहों पर चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, तो लोग चावल के साथ, दाल चावल के साथ भी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी ताकि ये थोड़े से गल जाए। 1/2 कप पानी मैंने इसमें अभी ये डाला है। सिर्फ इसमें मैंने लाल मिर्च और नमक ही डाला है, इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्याज और करेले का अपना मिलकर ही एक अच्छा फ्लेवर। अब इसको मैं छोटे वाले चूल्हे पर फ्लेम को एकदम कम कर दूंगी और इसको किसी टाइट ढकने से मैं इसको ढक, ये मैंने नॉर्मल कढ़ाई में बनाया है, क्योंकि भूनते टाइम नॉनस्टिक कढ़ाई में ठीक से कुछ चम्मच से कुचला नहीं जाता। लगभग 5 से 7 मिनट हो गए इसको पकते हुए एकदम दिमाग में। अब मैं इसको खोलकर चेक करती हूँ। अब देखने से ही लग रहा है कि ये मेरे करेले और प्याज दोनों ही गल गए हैं और इस टाइम ये तेल भी थोड़ा अपना छोड़ रहे हैं, पानी भी खुश्क हो गया है। अब इस स्टेज पर मैं इसको ऐसे ऐसे वाले चम्मच से इसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी। ये देखिए, ये तेल मेरा दिखने लगा है, ये इसकी पहचान है कि ये पूरी तरह से भून गए। ये अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। करेले की भुजिया मेरी बनकर तैयार हो गई। देखिए, मेरी करेले की भुजिया बनकर तैयार हो गई। अल्लाह करे आपको मेरी ये सब्जी बहुत पसंद आए। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।